फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी सी रेसिपी हरी चटनी की। जी, हरी चटनी जो होती है ज्यादातर घरों में बनती है, सब लोग बनाते हैं कि धनिया टमाटर प्याज वगैरह लिया और बना दिया। लेकिन मैं आपके साथ इस रेसिपी को इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जो चटनी बनाने का मेथड है वो बिल्कुल सही हो। चटनी को खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होनी चाहिए, लेकिन साथ में वो उसमें जो खुशबू आती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी चटनी हमारी परफेक्ट बनती है। तो मैं इस पूरे ही मेथड को आपके साथ शेयर करूंगी जो कि चटनी आपकी बिल्कुल परफेक्टली और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने। कि चटनी को हम समोसे पकौड़े वगैरह के साथ सर्व करते हैं, उनका टेस्ट चटनी से ही आता है, तो इसलिए चटनी बिल्कुल ठीक बननी चाहिए, परफेक्ट बननी चाहिए, बहुत ही स्वादिष्ट। तो इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए दिखाते हैं इस चटनी के लिए हमें किन किन खास सामानों की जरूरत है। आज हम बनाने वाले हैं हरे धनिया की चटनी। हरे धनिया की जो चटनी होती है ये ज्यादातर हम पकौड़ी, समोसे, पराठे किसी के साथ भी आप सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। लेकिन हरे धनिया की चटनी बनाने का जो तरीका है वो सब लोगों का सही नहीं होता है। कुछ लोग बहुत ही अच्छे बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, और कुछ उसमें थोड़ी सी मिस्टेक के कारण उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो आज जो मैं आपको हरी धनिया की चटनी बताने वाली हूँ, इसमें इंग्रेडिएंट और जो चटनी की खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, चटनी का टेस्ट बहुत बेस्ट होगा, और इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें यूज करने के लिए बिल्कुल सही मात्रा में और सही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चटनी बनाने के लिए हमें जिन जिन सामानों को चाहिए वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमने लिया है हरा धनिया। इसमें मैं पुदीने का यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हरे धनिया की चटनी बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने हरा धनिया लिया है, इसे अच्छे से साफ करके धो लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, जीरे से जो चटनी की खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए जीरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चटनी का, तो आप जरूर यूज कीजिए इसको। नमक, दो प्याज और दो टमाटर। ये देखिए क्वांटिटी जो है ना कम ज्यादा नहीं रखनी है, बिल्कुल इक्वल रखनी है। तो हमने दो ही प्याज लिए मीडियम साइज के और दो ही टमाटर लिए हैं मीडियम बिल्कुल इक्वल साइज के। तो हमने एक प्याज और दो टमाटर नहीं, सिर्फ दो प्याज है तो दो ही टमाटर का आप यूज कीजिए। और तीखा अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने इसमें चार हरी मिर्च ली हैं। और याद रखिए चटनी के अंदर कभी भी आप लाल मिर्च का यूज मत कीजिए, हरी मिर्च का यूज कीजिए, उससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये छोटा सा अदरक और एक लहसुन की कली, जो लहसुन की कली है ये इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा कर देती है, इसलिए हम एक ही कली का यूज कर रहे हैं, ज्यादा का नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं कच्चा लहसुन जो होता है वो थोड़ी सी स्मेल करता है, इसलिए हम एक लहसुन की कली का यूज करेंगे। और ऑप्शनल है, जो लोग इसको नहीं यूज करना चाहते, लहसुन नहीं खाते हैं, तो वो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आप इसे यूज कीजिए क्योंकि चटनी का जो फ्लेवर है वो लहसुन से बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरी धनिया की चटनी बनाना। आइए तो स्टार्ट कर लेते हैं चटनी बनाना। तो उसके लिए हम मिक्सी का जार, क्योंकि मिक्सी में ही तो चटनी पिसेगी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसमें काटना। तो ये मैं सबसे पहले प्याज काटूंगी। सबसे पहले नीचे आप धनिया को नहीं डालिए, क्योंकि धनिया डालने से, हरा धनिया डालने से जो चटनी है वो पिसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, इसलिए पहले आप जो प्याज टमाटर है उन्हें ही डालिए चटनी के अंदर। तो ये हम प्याज डाल दी दोनों, टमाटर अच्छे से धो के साफ करके, उसके बाद हम टमाटर का यूज करेंगे। हरी मिर्च, अदरक, अदरक भी आप चटनी के अंदर डालिए, अदरक से भी चटनी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये जो लहसुन दिया था इसे भी मैंने छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और मैंने इसकी थोड़ी सी स्टिक भी ली है, क्योंकि ये हरा धनिया जो होता है बहुत हेल्दी होता है, इसकी स्टिक जो है वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी भी होती है, और चटनी में तो सब कुछ पिस जाता है, तो इसलिए चटनी में आप स्टिक का यूज कर सकते हैं धनिया की। तो ये हम हरा धनिया भी इसमें मोटा मोटा डाल देते हैं काट के। ये इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है हमने। अब इसमें हम मसालों का यूज करेंगे। तो मसालों में मैं थोड़ा सा गरम मसाला यूज करूंगी,
एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और जीरा, आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरे से जो चटनी की है वो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो आप आधी छोटी चम्मच के करीब इसमें जीरा यूज कीजिए और इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें पीसने के लिए लास्ट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा इजीली पीस जाती है, तो हमने आधे कप से भी कम इसमें पानी डाल दिया है। और अब इसे पीस के हमें एकदम बारीक पेस्ट तैयार करते हैं चटनी का, तो चलिए इसे पीस लेते हैं एकदम बारीक। तो लीजिए चटनी जो है वो पीस के एकदम तैयार है और ये चटनी पीस चुकी है। चटनी को एकदम बारीक पीसा जाता है, तो बिल्कुल एकदम बारीक है। अब इसे एक बाउल के अंदर हम निकाल लेते हैं। चटनी का पिसने के साथ ही जो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे ही मैंने इसका मिक्सी के जार जो होता है उसका कैप हटाई, ढक्कन हटाया, तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यकीन मानिए इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है धनिया की और चटनी की। तो इस रेसिपी को, चटनी को आप जरूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हरे धनिया की चटनी तो बनके तैयार है, क्योंकि हरे धनिया की चटनी बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक इजी रेसिपी है और ये बहुत ही ज्यादा साथ में टेस्टी होती है। आप इसे दही बड़े, समोसे, पकौड़े, पराठे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, यह हर किसी रेसिपी का जो टेस्ट है बढ़ा देती है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। लेकिन लेकिन इस चटनी को बनाने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही मात्रा में सामानों का यूज होना चाहिए और सही तरीके से बननी चाहिए, तभी ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर आपको ये मेरे हरे धनिया की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और साथ में मुझे फीडबैक करके जरूर बताइएगा कि आपको हरी धनिया की चटनी कैसी लगी। चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।